हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा और इस वीडियो के द्वारा आप सभी का ध्यान मैं उस तरफ लेके जाना चाहूँगा जिस बारे में अभी न जाने क्यों कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर जो करना चाहते हैं वो लोग ऑलरेडी व्यस्त हैं किसी और बड़े काम को करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ हम वही लोग हैं जो धक्का मुक्की में, भीड़ में धक्का मार के अपनी बारी पहले आ जाए सामान लेने के लिए खड़े हुए थे? कहीं ऐसा तो नहीं हम वही लोग हैं जो आराम से मॉलों में गले मिलकर हाथों हाथ डाल के सुट्टा एक दूसरे से शेयर करके आराम से मजे से घूम रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टूरिस्ट प्लेस पे जा जाके ऑफ सीजन में भी सीजन बना दिया ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे और गोवा में जा जाके अपनी पिक्स लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि देखो लॉकडाउन के बाद हम कितना एंजॉय कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम वही लोग हैं जो गाड़ियों के गेट को खोल के नीचे पान की पीक थूका करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया की टॉप 11 प्लेयर्स को हम सलाह दिया करते हैं जब वो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि अबे ऐसे नहीं ऐसे खेल? कहीं ऐसा तो नहीं हम वही लोग हैं जो हमारी तबीयत हल्की सी खराब हो जाती है, हमें लगता है अंदर से कुछ सही नहीं है, बट फिर भी हम नौकरी पे जाया करते हैं सोच के अरे कुछ भी नहीं, और फिर मालूम चला हमारी वजह से 4 लोग बीमार पड़ गए जिनमें से एक की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि उसके घर वाले भी परेशान हैं? अगर ऐसा है या फिर आपके आसपास ऐसे आपको एक भी एग्जाम्पल मिलते हैं तो क्या आपको लगता है कि आज जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि आपके आपके घर से निकलने के लिए सरकार ने आपकी टिकट बुक कराई थी फॉर टूरिज्म प्लेस? क्या सरकार ने आपके लिए कोई योजना निकाली थी कि आप आए कुंभ मेले में, आपकी टिकट 3rd टायर की 4th टायर की हम कराते हैं? कहीं ऐसा है? क्या हम वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको रोक कर रखने के लिए फेंसेस लगाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि फेंसेस तो घोड़ों को, गायों को और अन्य अन्य कई जानवरों को रखने के लिए रखी जाती है। क्या हमें भी उनकी जिम्मेदारी, उनकी जरूरत थी कि आज हमारी मांगे सरकारों से तो कुछ यूं ही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए सब हो रहा है? क्या आप जानते हैं ऐसे देश भी है जहां पे ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है फिर भी वहां एक्सीडेंट नहीं होते क्योंकि लोग वहां के जिम्मेदार हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम हमारी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं और इतने ज्यादा अपनी लाइफ में खो चुके हैं कि हम बस एक दूसरे को ब्लेम करना जानते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हम उन व्यक्तियों को ब्लेम कर रहे हैं जो वहां पे दिन रात शायद हमारे लिए कुछ मदद कर रहे हो, कुछ सच में कर रहे हो? क्या हम इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि हमें जो दिखाया जा रहा है और वो अगर हमें सही लग रहा है तो वो ही सही है और उसी को हमें फॉलो करना है और अपने दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं करना है? हो सकता है हम सही हो सकता है पॉलिटिकली चीजें जो हो रही वो सही नहीं हो रही हो, बट एट द सेम टाइम इन दी बैकग्राउंड ये जो सब हुआ है उसके लिए क्या हम या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई और इस देश को चला रहा है या हम खुद, हम और आप मिलकर इस देश को चला रहे हैं? एक बार ये जानने की, एक बार ये सोचने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के द्वारा बस एक चीज कहना चाहूंगा कि हम और आप वही लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए जो आज हो रही है, और अगर हम आज और आप और हम नहीं सुधरे तो कल भी यही होगा। लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, लॉकडाउन इज अ सॉल्यूशन फॉर एनिमल्स, लॉकडाउन इज अ सॉल्यूशन फॉर पीपल हु आर नॉट कॉन्शियस इनफ टू टेक द राइट डिसीजन फॉर देम सेल्फ, फॉर द पीपल अराउंड देम। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन देन लॉकडाउन इज फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर मेकिंग इंडिया इवन वर्स देन इट वॉज बिफोर। टेक द चार्ज, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द एक्शन इन योर हैंड्स दैट आई विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ एंड द पीपल अराउंड मी, देन ओनली वी कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इजिली। जो लोग कल गोवा जाके अपनी सेल्फियां खिंचवा के अपने स्टेटस पे लगा रहे थे, आज वही लोग सरकार के लिए ट्वीट कर रहे हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट सिचुएशन, हाउ शेमफुल इट इज। लुक अराउंड यू एंड यू विल फाइंड दैट यस यस वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर, पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन के ऊपर, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए मैं बातें बाद में कर सकता हूं, बट दिस मोमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द पावर इज इन आर हैंड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड आई कांट इम्फोसाइज मच ऑन दिस। स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी इन ब्लेमिंग अदर सिस्टम और योर सिस्टम और अदर पीपल दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ और इन द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू। नो वन हैज
पुश्ड यू इन अ सिचुएशन दैट हैज स्प्रेडेड कोविड इन योर लाइफ. इट इज यू एंड ओनली यू. अंडरस्टैंड इट, बिलीव इट, एक्सेप्ट इट, एंड देन ओनली यू कैन ब्रिंग अ चेंज. अ चेंज बिगेन्स फ्रॉम अस.